अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अफगानी टिक्का। यहाँ हमने बोनलेस चिकन ले ली है जिसको क्यूब करके रख लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 क्यूब ग्रेटेड चीज, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, यहाँ हमने 1 टीस्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनीगर एंड क्रीम। हम यहाँ ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ग्रेटेड चीज, और सब मसाले इसी में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और इसको मिक्स कर लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 1 कप के करीब और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी क्रीम मिक्स हो चुकी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं, और दही भी नहीं है तो काजू का पेस्ट ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम बोनलेस चिकन जो क्यूब्स बना के रख ली है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आएंगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर नहीं है तो लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 1 आवर, कम से कम 1 आवर के लिए तो मैरिनेट करें। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 3-4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके बारबेक्यू स्क्यूअर्स में लगा लेंगे। ऐसे स्टिक्स पे लगाने के बाद अब हम इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे। दोनों साइड्स पे अच्छे से ग्रीस कर लें। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ड्राई ना हो, जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो ये जूसी और अच्छी स्मूथ अंदर से हो। अब हम इसको ग्रिल कर लेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर अपनी फ्लेम को ऑन कर लेंगे। चारकोल को हम लोग ने यहाँ पर रख लिया है। चारकोल जब अच्छे से जल जाए तो उसके ऊपर हम एक ग्रिल रख देंगे। यहाँ हमारा चारकोल जल चुका है, अब हम इसके ऊपर एक ग्रिल रखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप एक ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन स्टिक्स रखेंगे। ये एक साइड से जब हो जाए तो इसको टर्न अप कर दें। इसकी फ्लेम को हम थोड़ी हाई कर देंगे। अगर आपको ये ड्राई लगे तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑयल ग्रीस कर लें।
ऐसे चेक करते रहें ताकि ये सही से हो। ये देखिए हमारा ये टिक्का रेडी हो रहा है। ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सी चाट मसाला ऐड करेंगे, फिर हम आपको इसकी प्लेटिंग कर दिखाएंगे। ये हमारी चिकन टिक्का प्लेटर रेडी हो चुकी है अफगानी चिकन टिक्का की। आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आएंगी। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।